अमेजिंग लगा। तो किस तरह से शुरुआत इस बारकोड वेब सीरीज की आप दोनों से जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये जो माध्यम है वेब सीरीज़ का, ये प्लेटफॉर्म हर जगह पहुंचता है, तो इसकी रीच बहुत बढ़िया है। फिल्मों में अक्सर क्या होता है कि आपने बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई है, लेकिन आपने उस ठीक तरह से मार्केटिंग नहीं की उसकी, और वीकेंड में इतने ही दिन मिलते हैं आपको पैसे कमाने के लिए, तो लोग आते नहीं। यार गारंटीड आए बहुत हैं, बिकॉज अगर लोगों को पता चला कि ये शो अच्छा है, लाइक दैट फ्रॉम द ट्रेलर या मतलब वर्ड ऑफ माउथ से कि इट्स अ गुड शो, देखना चाहिए, इट्स देयर लाइफ लॉन्ग, आप कभी भी देख सकते हो। सो दैट्स द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस। I think overall the experience was fantastic and I think web series एक ऐसा जैसे उन्होंने बोला माध्यम है जहाँ ये बहुत ही अच्छा प्लस है कि there's no restriction in terms of seeing the film or the content for that time but even I want to add to that is कि इसमें as an actor also आपको काफ़ी कुछ wider scope मिल जाता है, especially for someone like me to showcase a talent and to come out as not just a pretty face but also someone who can be known as an actor. So अगर हम बारकोड की बात करें तो इसका जो role है वो काफ़ी challenging था मेरे लिए, because वो मैं अगर ऐसी हूँ तो रिया बिल्कुल ऐसी है, so it was a complete opposite of me and मुझे ये role करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया और उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी भी आई। सो ओवरऑल इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। डू यू थिंक इंडिया एक ऐसी कंट्री है ट्रेडिशनल और कल्चरल वाली जहाँ जैसे वेब सीरीज के जैसे मैं भी सवाल पूछना है, न्यूडिटी की बात करें, इस तरह को न्यूडिटी दिखाना वेब सीरीज अनसेंसर तो होता ही है, कट नहीं होता, इस तरह दिखाना व्यूअर्स को डिसअपॉइंट करना, और क्या लगता है ओवरऑल ये सही है? नहीं, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ कल्चरल इशू, इट्स एन एज अप्रोप्रिएट इशू, एंड आई थिंक दैट इज़ एन इंटरनेशनल मैंडेट कि हम एक उम्र लगाते हैं पिक्चरों पे या वेब सीरीज़ पे या कुछ भी, कि इस उम्र के लोग देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते हैं। दैट इज़ पोलिटिकली डिसाइडेड बाय अ गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेंसर बोर्ड, सो दैट इज़ नथिंग टू डू विद हमारी सभ्यता में ये लिखा है वो लिखा है। क्रिएटिव फ्रीडम है फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर अ डायरेक्टर, फॉर अ राइटर, और होना भी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उसको सेंसर करना चाहिए। एंड खासतौर पे इस माध्यम पर, बिकॉज ये माध्यम बना है इस कारण कि आप इसको, आप नेट न्यूट्रैलिटी को सेंसर नहीं कर सकते हो। सो ये मेरी पर्सनल राय है, आई एम श्योर अदर पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द मैटर, बट आई फील एज लॉन्ग एज आप एज अप्रोप्रिएट, जैसे हंगामा की जिम्मेदारी ये है कि आप लिखो उस पर कि कौन सा एज ग्रुप इसको देख सकता है, एंड एज लॉन्ग एज दैट इज़ हैपनिंग देन दे आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिस्ट डिजर्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, और अगर आपको अपनी स्टोरी बताने के लिए न्यूडिटी दिखानी है, ड्रग यूज़ दिखाना है, तो ये सभ्यता के साथ क्या लेना देना है? हम पिक्चरें ये नहीं सोच के बनाते कि सभ्यता के खिलाफ है या नहीं है, हम फिल्में बनाते हैं स्टोरीज़ जो ह्यूमन काइंड स्टोरीज़ हैं, सो आई डोंट अग्री विद दैट। जो एक रियल लाइफ सिनेरियो है बेसिकली वो दिखाते हैं, एंड आई कंप्लीटली अग्री विद हिम कि आई थिंक इट इज समथिंग कि इट्स वेरी एज अप्रोप्रिएट। वन ऑफ योर फेवरेट वेब सीरीज रिसेंटली वी हैव सीन? यार मुझे सीक्रेट गेम्स काफ़ी अच्छी लगी, मुझे इनसाइड एज बहुत अच्छी है, इनसाइड एज भी अच्छी, फिर एक TVF की थी परमानेंट रूममेट, परमानेंट रूममेट भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया थी, वेरी गुड, एंड इट्स स्टिल अ नेसेंट थिंग, मतलब इसकी शुरुआत हो रही है इंडिया में अभी, फॉरेन में, अमेरिका में, लंदन में, UK में वगैरह, ये 20 साल से चीज़ें चल रहा है, तो वी आर एट द राइट टाइम, बिकॉज आप देखो यार मेरी 4-5 ऐसी फिल्में हैं जो किसी ने थिएटर में नहीं देखी बट लोगों ने मोबाइल पे देखा, तो अगर मैं किसी के ऊबर में बैठूंगा तो बोलेगा सर आपकी पिज्ज़ा देखी थी मैंने, कहाँ देखी आपने? मोबाइल पे देखा मैंने, लाल रंग देखी या काला गंडी जो भी, तो इसका क्या मतलब है कि आज के डेट में लोग इंडिया में बैठ करके मोबाइल जियो के कारण या वोडाफोन के कारण देख रहे हैं मोबाइल पे, तो मुझे लगता है भविष्य यही है, सो इट्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। फिल्म्स आई थिंक विल इवेंचुअली बिकम मोर ऑफ एन एक्सपीरियंशियल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बिग स्क्रीन, बट देन आई थिंक कंटेंट राइट नाउ सबसे ज्यादा कंज्यूम आपके मोबाइल पे ही हो रहा है, 24/7 आप फोन पे हो, जो भी देख रहे हो। मैं खुद ही करता हूँ यार, मैं फिल्में कम देखता हूँ और YouTube पे कुछ चल रहा है तो वो देख लिया मैंने, इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स ग्रेट बिकॉज यू कैन एंगेज फॉर हाउएवर लॉन्ग यू वॉन्ट। अगर आपने वेब सीरीज स्टार्ट किया और आपको एक एपिसोड देख रहे हैं या दो एपिसोड देखने हैं, बाद में बाकी का देखना है या नहीं देखना है, तो आपके हाथ में। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग वेब सीरीज की बात करें, व्यूअर्स का यही कहना है कि जब वेब सीरीज देखते हैं तो लाइक सेकंडों में जो एड्स आते हैं वो बाद में एड्स आना वो जो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म के ऊपर निर्भर करता है, लाइक ओल्ड बालाजी, वूट, हंगामा, नेटफ्लिक्स, ये आपको एड्स नहीं दिखाते, अमेज़न नहीं दिखाता क्योंकि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स,
तो फॉर दैट यू कैन नॉट हैव एडवर्टाइजिंग. यूट्यूब येस, बट यूट्यूब आप फ्री में देख रहे हो, तो ये इसके ट्रेड ऑफ्स हैं. तो एज अ कंज्यूमर यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या पसंद है, कि आप एड्स देख लोगे या आप नहीं पसंद करते तो आप प्लेटफॉर्म पर जाओगे. बहुत ही सीधा सवाल है आपको, व्हाट यू टू से अबाउट द ट्रेंड व्हिच इज गोइंग ऑन हैशटैग मेटू. लोग बात कर रहे हैं कि अपने अपनी राय रखते हैं, अपने जो केसेस हम देख रहे हैं बॉलीवुड में जो उठते आ रहे हैं डे बाई डे, क्या कहना चाहिए आप दोनों से? आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग पर्सनली, बिकॉज मुझे लगता है कि दिस इज द इंडिया आई वॉन्ट टू लिव इन. जस्ट सेक्शन 377 के बाद जो चेंजेस आए हैं, और मुझे लगता है अभी औरत भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड सेफ फील करेंगे इसके बाद. ऑफ कोर्स यू हैव टू डिसाइड कि नॉट एवरीथिंग इज़ मीटू, मतलब आप हर एक चीज़ को मीटू के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो. कभी कभार रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि किसी का वो हुआ है या बलात्कार हुआ है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट देयर इज़ अ स्टैंड पीपल आर टेकिंग एंड इसकी चर्चा हो रही है और ये बंद कमरों में बातें नहीं चल रही हैं एनीमोर. एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू लिव इन इंडिया. And also I feel like this Me Too movement is not just restricted to women, it's also for men. It is for everyone. It's not based on gender. किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो गलत है, और अगर हुआ है एंड अगर कोई बाहर आकर उसके बारे में बात कर रहा है एंड genuinely अगर ऐसा हुआ है then I think it takes a lot of courage and a lot of guts to do it. And hats off कि वो ये कर रहे हैं और ये movement है, and I think it's really good. Thank you so much for talking. Thank you.